वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रतीक IIT.com। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक नए टेक्स SMS सॉफ्टवेयर के लिए। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम किसी भी मोबाइल को विदाउट केबल कनेक्ट किए हुए बल्क में SMS सेंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास दो सॉफ्टवेयर, सेटअप क्लाइंट और सेटअप मॉडेम APK होना चाहिए। इन दोनों सॉफ्टवेयर को 1x1 कंप्यूटर और मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं। सेकंड एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉलेशन के बाद किस तरीके से डिस्प्ले होता है, इसको समझने के लिए एनीडेस्क के द्वारा हमने एक मोबाइल ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, जिसमें यह एप्लीकेशन का आइकन कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। यदि हम इस आइकन को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें एक IP एड्रेस डिस्प्ले होता है। इस IP एड्रेस के द्वारा मोबाइल को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। इसके बाद मोबाइल कनेक्ट करने के लिए क्लिक हेयर टू एड एंड्रॉइड फोन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एंटर होस्ट IP टू कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोबाइल के अंदर डिस्प्ले होने वाले IP एड्रेस को टाइप कर एड डिवाइस सक्सेसफुली कनेक्टेड, ओके, सिलेक्ट डिवाइस टू सेंड SMS, तो आप देखेंगे कि हमारा डिवाइस कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। इसके बाद SMS सेंडिंग के लिए हमें कुछ नंबर यहाँ पर सिलेक्ट करने होते हैं। इसके लिए इंपोर्ट नंबर, इंपोर्ट फोन नंबर फ्रॉम फाइल, इस ऑप्शन पर क्लिक करके CSV और टेक्स्ट फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक एक्सेल फॉर्मेट है, इसको यहाँ से ओपन करते हैं और इस एक्सेल फाइल को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करके सेव एज एक्सेल वर्कबुक, लोकेशन सिलेक्ट कर फाइल नेम टाइप कर सेव एज टाइप में CSV कॉमा डेलिमिटेड सिलेक्ट कर सेव, ओके, यस। तो आप देखेंगे कि डेस्कटॉप पर हमारा फाइल कुछ इस तरीके से सेव हो जाता है। इसके बाद वापस सॉफ्टवेयर में आकर इंपोर्ट फोन नंबर सिलेक्ट फाइल ओपन सिलेक्ट टिक चेक बॉक्स लोड नंबर इन लिस्ट, तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर कुछ इस तरीके से लोड हो जाते हैं। इसके बाद जो भी मैसेज सेंड करना है उसको यहाँ पर टाइप या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए हमने एक मैसेज ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको हम Ctrl+A के द्वारा सिलेक्ट ऑल कर राइट क्लिक कर कॉपी करके यहाँ पर राइट क्लिक कर या Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं। अब यदि हमें लगता है कि इन नंबर्स में कुछ डुप्लीकेट नंबर ना हो तो इनको रिमूव करने के लिए रिमूव डुप्लीकेट पर क्लिक करके नो डुप्लीकेट नंबर फाउंड, ओके। तो यहाँ से जो भी नंबर अगर डुप्लीकेट होते तो वो रिमूव हो जाते। इसके बाद SMS सेटिंग में जाकर जिस कंट्री को भी SMS सेंड करना है वह कंट्री यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए हमें इंडिया के लिए नंबर सेंड करना है तो +91 सिलेक्ट कर ओके करते हैं और अप्लाई दिस SMS टू ऑल इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सेम SMS इन सभी नंबर्स पर अप्लाई हो जाता है। इसके बाद सेंडिंग के लिए हमें सेंड SMS पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि SMS सेंडिंग की प्रोसेस कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है। अभी के लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे SMS कुछ इस तरीके से सक्सेसफुली सेंड हो जाते हैं।
जो कि हमें यहां पर डिस्प्ले होते हैं। अब यदि हम इस रिपोर्ट को सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए व्यू लॉक पर क्लिक करेंगे, सेव एज सीएसवी, जिस लोकेशन पर भी सेव करना है वह लोकेशन सिलेक्ट कर फाइल नेम टाइप कर सेव करते हैं तो हमारा रिपोर्ट सेम लोकेशन पर उचित तरीके से सेव हो जाता है। इसके बाद यदि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा एसएमएस मोबाइल के अंदर किस तरीके से डिस्प्ले होता है, जो कि 21 फरवरी 2020 को 11:32 एएम पर रिसीव हुआ था, वह एसएमएस मोबाइल के अंदर कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। इस सॉफ्टवेयर के बारे में और अधिक जानकारी या परचेस करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8085119119 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।